हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, ये मैं हो चुकी हूँ तैयार। ये है मेरा पूरा लुक आज का। तो देखिए, मैंने पहनी है राजपूती और ये भी जो गले का सेट है ये भी मिलाई थी नया, और ये तो इस तरीके से। और अभी मैं चूड़ी भी नहीं है, तो मैं आप सबको एक बार मेरे पूरा ये भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये हमारे घर का पूरा व्यू। ये यहाँ पर पूजा हुई थी और ये मंदिर, एक एक दीपक सब जगह जला हुआ है। देखिए, बजा बजा। अब लच्छा बांध इसके कलश के, लच्छा बांध। देखे इधर देख, सार्थक। अम्मा बैठे हुए हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई हो सब अच्छे होंगे। तो अभी सुबह की बज रही है 5:15 और यहाँ पर देखिए मैं तैयार हो चुकी हूँ। मैंने पीछे दिखाती हूँ, तो मैंने पहनी है ये वाली साड़ी, ये देखिए। तो इस तरीके से ये साड़ियाँ क्या है, पुरानी तो है, शादी वगैरह में जो पहनते हैं वो साड़ियाँ हैं, लेकिन दिवाली पर भी इन साड़ियों को पहन लेते हैं तो ये काम भी आ जाती है। इनको ऐसे तो पहनने में काम कम आती है, तो ये अभी दिवाली वाली थोड़ी सी वर्क वाली साड़ियाँ पहनते हैं। तो बस अभी मैं नहा धो के तब सब चीज़ से तैयार हो चुकी हूँ। अब मैं जाऊँगी मंदिर, मंदिर पे जाएंगे पूजा करने। तो चलते हैं और मिलते हैं आप सबसे थोड़ी देर के बाद। मैं तो पता गई थी लाओ जो बाबू लोई जो ऊपर जा तो बाबू जी था नहीं चालू कर चुके ना लोई के जी मत जाने देखो चालू वो भी मत लो तो यार ऊपर से बगला वाला आ thank you.
नमस्ते वासुदेवा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 वैकुंठ नारायण 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 वैकुंठ नारायण 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 हरि ओम नमो भगवते। अरे राजा पृथ्वी ने नारद जी से पूछा, अरे आपने तुलसी का जो विचित्र इतिहास के साथ पुत्र प्रदे और माध्यम कहा है उसे मैंने सुना है, अब कार्तिक व्रत का फल तथा माध्यम मुझे समझा कर कहिए। और ये शुभ व्रत को किसने किया ये भी कहिए। नारद जी ने कहा कि पहले श्रृंगार पर्वत के निकट करवरीपुर में धर्मज्ञ धर्मदत्त नामक विख्यात ब्राह्मण रहता था। वह विष्णु भगवान के दत्तों में तथा बलि और भांति उनकी पूजा में तत्पर रहा करता था। द्वादश मंत्र के जप और अतिथि सत्कार में तलीन रहता था। वह यज्ञ में वह ब्राह्मण कार्तिक मास में विष्णु भगवान के जागरण निमित्त एक पहर रात शेष रहने पर विष्णु भगवान के मंदिर में गया। वह विष्णु की पूजा सामग्री लेकर पूजा करने के लिए जा रहा था कि उस समय उसने एक बड़ी भयंकर राक्षसी को देखा, जो बड़े बड़े दांतों वाली और जीव और लपकते वाली हुई भीतर और घुसे हुए लाल लाल नेत्रों वाली नंगी और महाश्रयित और शरीर वाली बड़े बड़े होंठ मुंह से घर घर शब्द करने वाली थी। उस भयंकर राक्षसी को देखकर भय से उसके शरीर के सब अंग कांपने लगे। उस ब्राह्मण ने डरते डरते पूजा की सामग्री और जल से उस राक्षसी को मारा कि क्योंकि तुलसी दल सहित जल वीडियो बना लीजिए। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। सबको हैप्पी दिवाली। और आज है गोवर्धन पूजा, तो गोवर्धन माँ भगवान की भी जय हो और आप सबको भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी आपको देखने को मिलेगा इस ब्लॉग में कि जो कार्तिक का महीना है उसमें हम जो पूजा करने गए थे, मैंने इतने दिनों से आपको बता रही थी कि कार्तिक के महीने में हम जल्दी उठ के नहा धो के और पूजा करने जाते हैं, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया है, मंदिर भी दिखाया है, मंदिर पे भगवान के दर्शन भी कराए हैं और पूजा वगैरह जो करी थी उसके बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा मैंने क्लिप्स दिखाए हैं, तो सब देखना। और अब उसके बाद मैं घर पे आके मैंने यहाँ पे झाड़ू पोछा वगैरह कर लिया है और अब मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। तो खाने में आज हमारे घर पे बनेगी मिक्स सब्जी, बनती है अन्नकूट का जो भोग लगेगा उसके लिए मिक्स सब्जी बनती है, हर तरह की सब्जी मिला के और सब्जी बनाई जाएगी। और आज केवल रोटी बनाएंगे क्योंकि पूड़ी वगैरह ही खाते खाते बोर हो चुके हैं, तो अब बस आज सबकी इच्छा है कि आज रोटी ही बनाई जाएगी, तो रोटी बनाएंगे और सब्जी का भोग लगता है मिक्स सब्जी का। इसके बाद ही इन सब्जियों को खाया जाता है, इतने दिनों से इन सब्जियों को नहीं खाते हैं कार्तिक के महीने में, अब आज से हरी सब्जी वगैरह ही खाना शुरू हो जाएगा। बाकी घर वाले तो खा रहे थे, मैं नहीं खा रही थी, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इस यहाँ पे ये मिक्स सब्जी कट चुकी है, इसमें है ग्रीन सब्जी में मेथी पालक और बथुआ जो आता है बाथले की सब्जी है, गाजर गोभी आलू बैंगन और जो ग्रीन वाले प्याज होते हैं वो, और यहाँ पर ये जो कुकर है इसमें चने की दाल है।
तो वो भी उबाल दी है। ये रात में गलाना भूल गई थी इसलिए थोड़ी सी दाल इसमें डलती है, वो उबालनी पड़ी है तो वो भी उबाल ली है। अब इन सब्जियों को सबको मिला के और छोकेंगे तो आज बनाएंगे ये वाली सब्जी। और एक बनाऊंगी मैं यहाँ पे खड़ी, तो ये है छाछ। और अभी गैस की पट्टी की तरफ ध्यान नहीं देना है क्योंकि दिवाली पे भरी हुई रहती है। और ये है कढ़ाई, बड़ी वाली कढ़ाई है क्योंकि सब्जी बहुत सारी हो जाती है। जब ये बनेगी तो कम हो जाती है, लेकिन जब तक काटते हैं और रहती है तो बहुत सारी है। तो हमारे यहाँ पे इसी तरीके से गोवर्धन पूजा का जो खाना बनता है वो है। और जो आगे आप देख ही रहे हो दिवाली पे, मैंने इस बार दिवाली पे ज़्यादा सूट नहीं किया क्योंकि दिवाली की जो अगली दिवाली थी उसमें मैंने आपको दिखाई दिया था। इस बार केवल नॉर्मल जो किया था वो आपको दिखाया है। तो आप सबको मैं छोटे छोटे क्लिप डाल के वापस इसी में सब चीज़ें दिखाऊंगी, तो आप भी बताना। और ये देखिए, ये है मेरी नई वाली चेन, ये चेन है। तो ये भी मैं लेके आई थी कोटा से, दशहरे पे जब हम गए थे कोटा पे तो कोटा से लेके आई थी। और वहाँ से मैं लेके आई थी एक गले का हार्ट सेट भी लेके आई थी। तो बस चलते हैं, मैं करती हूँ खाने की तैयारी और मिलते हैं आप सबसे थोड़ी देर के बाद।